सिद्धार्थनगर जिले के बासी तहसील क्षेत्र में नहरों पर बने पुलों के टूटने का सिलसिला चल पड़ा है, जिससे इन नहरों से होकर आने जाने वाले कई गांवों के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि जिले की बासी तहसील क्षेत्र में सरयू नहर खंड की नहर पर बना पुल बरगदी के बीच टूट जाने से दर्जनों गांव के लोगों का आवागमन प्रभावित हो गया है। वहीं दूसरी तरफ दोनों कुइयां नदाओं के बीच भी इसी सरयू नहर खंड के नहर का भी पुलिया टूट गया है। पुलिया काफ़ी पुराना है। ग्रामीणों की माने तो जब नहर के सिल्ड की सफाई हो रही थी उसी वक्त मशीन की ठोकर से पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया। सिद्धार्थनगर से एबीएन समाचार के लिए इंतजार हैदर की रिपोर्ट। नहर का पुल टूटने से लगभग 40-50 गांव के लोगों के आवागमन को प्रभावित हो रहा है। अब जानते हैं कि बरगदी, बनगवा, रेहरा, रेकवारे, खदरा, पचमोहनी, बगनी, नानकार, बनकटा, सेहरी घाट, जालेखोर, उस पार के काफी गांव के लोग जो निरंतर इसी रास्ते से आते जाते हैं, उनका आवागमन यहाँ बंद हो गया है। इससे बहुत बड़ी हानि हुई है। लोगों को लगभग 40 किलोमीटर दूर की रास्ता तय करना पड़ेगा, तब मिठो लाना पड़ेगा। गांव प्रभावित हो रहे हैं, इसके लिए क्या जो जिम्मेदार लोग हैं काफी लापरवाही बरती है उनको लेकर? देखिए, आपने मतलब मेरे संज्ञान में ये चीज अभी तक नहीं आई थी, और अगर ऐसा है कि जिसकी वजह से ये है और लापरवाही इसमें परिलक्षित है, तो ये अभी मेरे संज्ञान में आई भी है। मैं इसको खुद ही पर्सनली चेक भी करवा लेता हूँ, और कल तक अगर इसमें ऐसा लगता है कि किसी ने लापरवाही की है तो उसको तत्काल फिर कार्रवाई भी की जाएगी, और जो भी ग्रामीणों को उनको सहूलियत या प्रोवाइड करनी है ब्रिज को लेके, तो उसमें भी अग्रिम त्वरित कार्रवाई की जाएगी।